Hello and welcome to Bajirao IAS Academy. Today is 1st of September and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. But as you all know, before starting our editorial discussion, we try to discuss some of the ethical terms. So, aaj kaun se terms ko hume discuss karna hai? So, pichle lecture series mein humne aapko democratic attitude ke baare mein bataya tha. Aap recall kariye democratic attitude hoti kya hai? क्या डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है? क्या बॉटम अप अप्रोच होता है? बिल्कुल सही. तो फिर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है? तो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सिविल सर्वेंट्स है, पब्लिक सर्वेंट्स, जो स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो वो एटीट्यूड रखते हैं, उनको हम ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड कहते हैं. और कभी कभी ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्रिटिसिज्म का भी कारण बनता है. कैसे कारण बनता है? आप भी सुनते होंगे कि जो स्कीम्स हैं उसमें घोटाले देखने को मिलते हैं, जो रियल बेनिफिशियरीज है उन्हें स्कीम्स का लाभ नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज देयर इज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स. ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड. अब ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में हम किन चीजों पर फोकस करते हैं? हम नियम कानून पर काफी ज्यादा फोकस करते हैं. रेड टेपिज्म जैसी इवेंट्स हमें देखने को मिलती है. हम टॉप डाउन अप्रोच पर फोकस करते हैं. अब इस बात पर भी आप जानिए कि टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच क्या होता है. तो टॉप डाउन अप्रोच में हम क्या करते हैं, टॉप लेवल पर जो बैठे एक्सपर्ट्स हैं वो रूल बनाते हैं और उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करते हैं. तो यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता है. लेकिन जो आपका बॉटम अप अप्रोच है इसमें बेसिकली पब्लिक पार्टिसिपेशन होते हैं, उनके भी कंसर्न्स जाने जाते हैं एंड उसके बाद नियम कानून बनाया जाता है, उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और पब्लिक भी इसे एक्सेप्ट करते हैं. तो दैट्स बेसिकली द डिफरेंस. होप यू अंडरस्टूड. तो जो आपका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है इसमें आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है. जो रूल्स रेगुलेशंस है इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से पालन किया जाता है, जिसके कारण कभी कभी बेनिफिशियरीज इस स्कीम्स का, वेरियस प्रोजेक्ट्स का लाभ नहीं उठा पाते हैं. एंड इवन वॉट, जब इतना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस होगा तो जो ब्यूरोक्रेट हैं वो रिस्क लेने में फियर करेंगे, बिकॉज उनको डर लगा रहेगा कि अगर हमने कोई ऐसा एक्शंस लिया जो हमारे अनुसार वो एक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाई तो अकाउंटेबिलिटी भी तो उसी की आएगी. तो दैट्स वाई रिस्क लेने में, इनोवेट करने में, क्रिएटिव थिंकिंग में आगे बढ़ने से ब्यूरोक्रेटिक्स फियर करते हैं, जिसके कारण इनोवेटिव सॉल्यूशंस रिगार्डिंग टू प्रोजेक्ट्स, रिगार्डिंग टू इवेंट्स, वो हमें देखने को नहीं मिलता है. तो दैट्स द कोर पॉइंट. एज वेल एज देयर इज लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी टुवार्ड्स एनीवन. जबकि मैंने डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, पीपल्स पार्टिसिपेशन रहता है, उनके रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं. तो क्या जो भी गवर्नमेंट है उनको ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड प्रमोट करने की ज़रूरत है या फिर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड? तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, ऐसे केसेस में बैलेंस आंसर देना है, क्योंकि जो आपका गवर्नमेंट है वो सिस्टम से चलती है, नियम कानून से चलता है. तो ऐसा नहीं कि हम नियम कानून का पालन ही ना करें. तो देयर शुड बी बैलेंस, कि जहां पर आपका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड गेट्स बैलेंस्ड विद द डेमोक्रेटिक एटीट्यूड. डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो आपका वैल्यू बेस्ड होता है, बॉटम अप अप्रोच होता है, पीपल सेंट्रिक होता है, जहां पर हम पीपल के इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इंक्लूसिव होता है, एज वेल एज पार्टिसिपेशन इसमें देखने को मिलती है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है. जबकि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में क्या है, स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क, जो प्रोटोकॉल्स हैं उसे पालन किया जाता है. पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को हम देखते हैं, ठीक है. तो हो सकता है माइनॉरिटी के इंटरेस्ट या फिर कोई छोटे मोटे मुद्दे उसको हम इग्नोर कर दें. साथ ही साथ प्रोसीजर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है और अकाउंटेबिलिटी का भी एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. एक एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आप केस स्टडी के रूप में इसको देखो कि लेट से कि कोई स्कीम चल रहा है गरीब के लिए, ठीक है, महीने में उसे 10,000 रुपये महीने में पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए. तो फिर आप जानते हो कि उस स्कीम का लाभ उसे नहीं मिल पाएगा, जबकि वो गरीब है. जबकि जो आपका ब्यूरोक्रेट है या पब्लिक सर्वेंट है उसे पता है कि ये गरीब है, लेकिन डॉक्यूमेंट होने के ना वजह से उसे वो स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा. दैट इज द ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स.
ठीक है, तो दैट्स वाई देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड एंड द डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। और इस टॉपिक का अहमियत काफ़ी ज़्यादा है एटीट्यूड के टॉपिक का आपके एथिक्स में, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एटीट्यूड के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, केस स्टडी में भी जो एटीट्यूड है उस पर क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता ही होगा ना एटीट्यूड डिसाइड्स एवरीथिंग, दैट्स व्हाई एटीट्यूड इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड आपको इस टॉपिक पर अच्छे से पकड़ बनाना है। मैंने एक एग्जाम्पल दिए, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बी इंटरेक्टिव विद आवर सेशंस, ताकि आपको भी आनंद आए लेक्चर्स को सुनने में, समझने में, एज वेल एज अंडरस्टैंड करने में। और इन सब चीज़ों को आपको आंसर्स में लिखना है, ये जो आपका कीवर्ड है रेड टेपिज्म, टॉप डाउन अप्रोच, एडहेरेंस टू द नॉर्म्स, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब कीवर्ड्स हैं, तो ये सब जब आप लिखोगे आंसर्स में तो डेफिनेटली आपके आंसर्स काफ़ी ज़्यादा इनरिच होकर आएंगे एंड इट विल फेच यू गुड मार्क्स। ठीक है, केस स्टडी में भी यूज किया जाता है इन्हीं सब चीज़ों का, एंड एटीट्यूड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जीएस पेपर 4। नाउ आफ्टर कवरिंग द एथिक्स टॉपिक वी विल मूव ऑन द आर्टिकल ऑफ डिस्कशन। दो आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं और दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि जिस प्रकार का आप डिजास्टर देखते हैं हमारे इंडिया में, है ना, अभी रेनफॉल के कारण एक्सेसिव डिजास्टर्स आपके हिमाचल प्रदेश में, मुंबई में देखने को मिल रहा है, तो आखिरकार क्या हम ये क्लेम करें कि जो डिजास्टर्स हैं वो मैनमेड है, तो इस पर आज चर्चा होगी। और ये एक प्रकार से इंटरव्यू के रूप में है, तो दो व्यक्ति कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे, तो हम उन्हीं एक्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ आपके लिए मेंस का भी एक क्वेश्चन होगा जिसको आप आंसर करना है इस डिस्कशन के बाद। और जो दूसरा आर्टिकल है दैट विल डील विथ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कल की ही न्यूज है जहाँ पर स्पेशल सेशन को बुलाने का कोशिश किया गया है, तो उस स्पेशल सेशन में ये बात कही जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक प्रकार से बिल लाया जाएगा, उसको पास करने का कोशिश किया जाएगा, तो कुछ इसी मुद्दे पर डिस्कशन है। हम देखेंगे कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं, और साथ ही साथ इस आर्टिकल में फोकस ये है कि जो आपका चाइल्ड एडॉप्शन सिस्टम है, जो भी आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाए जाते हैं तो फिर उसमें चाइल्ड का वेलफेयर जरूर सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के कारण चाइल्ड का जो इंटरेस्ट है, वेलफेयर है, वो प्रभावित हो जाए, और ऐसे में जो एडॉप्शन कल्चर है जो अभी ग्रो कर रहा है हमारे देश में, वो कल्चर ग्रो होने से वंचित हो जाए। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा होगा, बने रहिए। आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर सकते हैं, दैट विल बी अ ह्यूज हेल्प फॉर अस। सो यूपीएससी के मेंस क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में 2022 में आए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है और ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, आएंगे ही, बिकॉज ये सब काफी ज्यादा मुद्दे न्यूज में रहते हैं। दैट्स वाई यू हैव टू थिंक लाइक दैट एंड यू हैव टू आंसर लाइक दैट। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अक्रेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, डिस्कस टू रिसेंट एग्जाम्पल्स। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, एग्जाम्पल्स भी देता हूँ, एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाते हैं, आपको कंटेक्स्ट ध्यान में रखना है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड कंटेक्स्ट बिफोर डिस्कशन ऑफ द आर्टिकल्स। सो शिफ्टिंग आवर फोकस टू आवर एडिटोरियल डिस्कशन दैट विल बी कवर्ड अंडर जीएस पेपर 3 एंड टॉपिक यू कैन रिलेट दैट। तो क्वेश्चंस, पहली बात तो मैं भी आपसे पूछता हूँ, क्या नेचुरल डिजास्टर्स मैनमेड है? डिजास्टर्स और हजार्ड में क्या अंतर है? तो बेसिकली हजार्ड क्या है, पोटेंशियल डिजास्टर्स है। जैसे हिमालयन रीजन की बात करें तो आपका प्रोन है लैंडस्लाइड से रिलेटेड एज वेल एज अर्थक्वेक से रिलेटेड, तो वो एरिया जो है ना हजार्डियस एरिया है, क्योंकि अगर कहीं पर भी उसको एक्स्ट्रा पुश या फोर्स मिलता है तो फिर वो डिजास्टर में कल्टिवेट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में कि इतना ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल वहाँ पर हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट रीजन इज फेसिंग मैनी लैंडस्लाइड्स, एंड इसका इम्पैक्ट आप देख ही रहे हो किस प्रकार से प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, पीपल का लॉस हो रहा है, इकोनॉमी का लॉस हो रहा है, एज वेल एज कम्युनिकेशन लॉस हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन लॉस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो बात वही निकल कर आती है कि क्या ये सब डिजास्टर्स मैनमेड है? और कुछ और कंटेक्स्ट मैं आपको दूँ तो टोरेंशियल रेनफॉल क्या होता है? टोरेंशियल रेनफॉल मतलब काफ़ी शॉर्ट पीरियड में एक्सेसिव रेनफॉल जब होने लग जाती है तो उसे हम टोरेंशियल रेनफॉल कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जब क्लाउड बस्ट पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो टोरेंशियल रेन पर भी पूछे जाएंगे, क्योंकि
क्लाउड बस्ट जब होती है तभी मान के चलिए कि आपका टोरेंशियल रेनफॉल भी होता है। क्लाउड बस्ट मतलब क्या, अचानक से जो बादल है ना वो फट जाते हैं। फट जाने का मतलब ये हुआ कि एक्सेसिव रेनफॉल काफी कम पीरियड में एंड इतना ज्यादा रेनफॉल कि वो आपका हैवॉक क्रिएट कर देता है, इवन लैंडस्लाइड को प्रोपेल कर देता है। दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाउड बस्ट एंड इट्स इम्पैक्ट इज टोरेंशियल रेनफॉल एंड इट्स इम्पैक्ट इज योर लैंडस्लाइड, इट्स इम्पैक्ट इज योर फ्लडिंग। इस प्रकार की सिचुएशंस आती है। तो बेसिकली क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, आर नेचुरल डिजास्टर्स अनमैनमेड। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी ग्लोबल वार्मिंग का फेज है ना। ग्लोबल वार्मिंग में क्या है, टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ रही है एंड ये तो एक चीज है, लेकिन दूसरी चीज ये भी हो रही है हमारे देश में कि हैपहजर्ड प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, अंधाधुंध प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन उस रीजन्स में हो रहा है और इसने ट्रेजेडी को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं कि डिजास्टर्स पहले नहीं आते थे, बट बिकॉज ऑफ दिस हैपहजर्ड कंस्ट्रक्शंस जो डिजास्टर वो मल्टीप्लाइड हो गए हैं इंटेंसिटी में, फ्रीक्वेंसी में। एंड हर साल आपका मॉनसून आता है, ये हमें भी पता है, एंड मॉनसून आपका सुख और दुख दोनों लेकर आता है। सुख फार्मर्स के लिए क्योंकि इतने लंबे समय के बाद उन्हें वर्षा होती है, वो अपने खेती करते हैं, उसके लिए पानी की जरूरत होती है, तो मॉनसून उन्हें प्रोवाइड करता है। लेकिन दुख क्या, तो आप पूरा जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट में देख रहे हैं वो दुख का भी कारण है। हिमालयन रीजन में आप देख रहे हैं किस प्रकार से लैंडस्लाइड हो रहा है, फिर आपका मुंबई में देख रहे हैं किस प्रकार से लैंडस्लाइड एंड फ्लडिंग जैसे सिचुएशन आ रही है। तो ये सब चीजें तो हर साल आती है, तो फिर हमें पता है कि प्रॉब्लम है लेकिन इसका सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है, पुअर प्लानिंग। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ना कि जो डिजास्टर्स है उसमें ह्यूमंस का भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है, क्योंकि ह्यूमन उसको कंट्रोल करने में प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहा है। तो इसी पर दो पर्सनैलिटी आपके आंसर्स देंगे, एक है आपके लुबियाना रंग वाला और दूसरे पर्सनैलिटी आप देख सकते हैं बिमल मिश्रा। तो फिर इनका क्या कहना है, तो जब हम बात करते हैं लुबियाना रंग वाला साहब का, तो उनका कहना है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स के स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं मैनमेड इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है इन प्रकार के डिजास्टर्स में। तो हमें सॉल्यूशंस निकालने की ज़रूरत है और हमें बॉटम अप अप्रोच ढूंढने की ज़रूरत है, और बॉटम अप अप्रोच क्या होता है मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बताया। जब हम बात करते हैं बिमल मिश्रा साहब की, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भी यही बोला कि फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ हजार्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसमें जो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज है इसने मेजर रोल निभाया है। एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज मतलब जो क्लाइमेट चेंज मैनमेड कर रहा है, बिकॉज ऑफ द इमिशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीटिंग ट्रांसफरिंग फ्रॉम द वेरियस मैनमेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। और इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे जो फ्लड प्लेन्स है ना, रिवर्स का जो फ्लड प्लेन्स होता है वहां पर हमने घर बना दिए है ना, उनके एरिया को इनक्रोच कर लिया, वाटर बॉडीज को शट डाउन कर दिया, एंड इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं हमने सस्टेनेबिलिटी पर फोकस नहीं किया, हमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी पर फोकस किया, विद इन फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो ये पॉइंट निकल कर आती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू शू डिजास्टर प्रिपेयरनेस हैविंग इवॉल्व ओवर द ईयर्स, क्या जो डिजास्टर प्रिपेयरनेस है इंडिया में समय के साथ इवॉल्व हुआ है। तो इसका सिंपल सा आंसर लुबियाना रंगवाला साहब देते हैं कि नहीं हुआ है। अगर होता तो फिर इस प्रकार की जो डिजास्टर्स होती ना, हजार्ड्स होती, उसको हम रोक सकते थे। लेकिन अभी आप अर्बन एरियाज में देखते हैं अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं टू द अर्बन सिटीज, तो कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड हो रही है कुछ सिटीज की, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ के इन्वायरमेंट पर पड़ रहा है एंड दे आर अफेक्टिंग द नेचुरल लैंडस्केप। तो फिर डिजास्टर प्रिपेयरनेस हमारी मजबूत हुई कहाँ, तो दैट्स वाई द सोल्यूशन इज नॉट गोइंग टू बी परफेक्टली करेक्ट एंड इट इज ऑल्सो द फेल्योर ऑफ प्लानिंग इन अंडरस्टैंडिंग एंड सेफ गार्डिंग आवर क्रिटिकल इकोसिस्टम एंड दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू सेफ गार्ड आवर क्रिटिकल इकोसिस्टम। तो दैट द पॉइंट। नाउ एक केस स्टडी भी बोली जाती है कि किस प्रकार से हम अपने प्रिपेयरनेस को मजबूत नहीं कर पाए हैं। जैसे मुंबई का एग्जाम्पल लिया जाता है कि अगर हम बात करें मुंबई की, तो वहाँ पर भी फ्लडिंग जैसी सीनेरियो बनती है, ठीक है, अभी भी आप देख रहे हो एग्जाम्पल में भरे पड़े, और उसके लिए फ्लडिंग को डील करने के लिए जो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है विद द एंगेजमेंट विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल तैयार किया गया था। लेकिन आप हमें बताइए कि आने वाले समय में
क्लाइमेट चेंज और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग तो होगा। अब मुंबई क्या है, कोस्टल सिटी है। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल राइज होंगे एंड रिपोर्ट भी यही कहता है बिकॉज ऑफ द सी लेवल राइज जो आपके कोस्टल सिटीज है ना वो श्रिंक कर जाएंगे, वो पानी के अंदर चले जाएंगे, समुद्र के पानी के अंदर। तो आप हमें बताइए कि क्या हमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर सॉल्यूशन निकाला है, नहीं निकाला है। तो दैट्स द पॉइंट। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ऑल्सो बहुत सारे सिटीज में पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, दिल्ली में देख लीजिए आप 10,000-11,000 पर्सन्स पर किलोमीटर डेंसिटी के रूप में अगर हम बात करें, तो इसके कारण जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पर वो भी बढ़ रही है, अदर रिसोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। यहाँ पर भी हमने कहीं ना कहीं अपने डिजास्टर प्रिपेयरनेस को मजबूत नहीं किया। और उसके बाद बिमल मिश्रा साहब क्या कहते हैं कि देखिए डेवलपमेंट चल रही है एंड डेवलपमेंट के कारण आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होता है, रेलवेज, रोडवेज, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलती क्या कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पर हमने फोकस नहीं किया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस नहीं किया। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हम इस प्रकार का डेवलपमेंट करें जो फ्यूचर में भी सस्टेनेबल हो, फ्यूचर में भी इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट ना दे सके, सोसाइटी को ज़्यादा निगेटिव तरीके से प्रभावित ना कर सके, ये होता है सस्टेनेबिलिटी। लेकिन हमने इकोनॉमिक्स पर ही सिर्फ फोकस किया, हमने सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते चले गए, एज वेल एज जो आपके ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है, और हमने लगभग जो भी नेचुरल हेरिटेज है हमारा उसको हमने डैमेज किया, एज वेल एज नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम जो रिवर सब है जो फ्लो करती थी आज बहुत सारे रिवर्स ड्राई हो गए हैं। तो ये सब सिचुएशंस निकल कर आ रही है। तो क्या सॉल्यूशन है? तो ओनली सॉल्यूशन इज दैट आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रास्ते पर जाना पड़ेगा, केयरफुल अर्बन प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका लुबियाना रंगवाला साहब क्या बोलते हैं कि एक बात तो ये भी है कि हम डेवलपिंग नेशन है, हमारी नीड्स, सर्विसेज की नीड्स, जॉब सब ग्रो करने वाली है, तो फिर डेवलपमेंट भी ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या हम डेवलपमेंट को ही छोड़ दें? तो ऐसे में ये करना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर फोकस करें, है ना, लॉन्ग टर्म रिस्क असेसमेंट पर फोकस करें, और उस आधार पर जो हमारा डाटा निकल कर आता है हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करें। जैसे सिटीज का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऑलरेडी काफ़ी फ्लडेड है विद पॉपुलेशन, तो हम क्या कर सकते हैं दूसरे लोकेशंस पर सिटी का ग्रोथ करवा सकते हैं, हम अर्बनाइजेशन दूसरे लोकेशंस पर करवा सकते हैं, हम जहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जहाँ डोमिसाइल है वहाँ पर लोगों को जॉब, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर दे, रैदर कि हम एक ही सिटी में लोगों को बुला रहे हैं। ऐसे में क्या होता है ना, नेचुरल रिसोर्सेज पर बर्डन काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। ये सब कुछ चीज़ें हैं, एज वेल एज हमें वो जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक ड्राइवर्स है किस प्रकार से वो डिफरेंट कम्युनिटीज को डिफरेंटली इम्पैक्ट कर रहा है, इन सब पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास बिल्डिंग कोड्स हैं, एज वेल एज नॉलेज भी है कि कैसे डील करना है फॉर द डिजास्टर्स, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या हम इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं? तो इस पर क्या जवाब आता है आप देखिए। तो विमल मिश्रा साहब का कहना है कि देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये कि नॉलेज कभी भी कम्प्लीट नहीं होता है, है ना, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है, एज वेल एज हम और ज़्यादा सीखते हैं समय के साथ, इवेंट्स के साथ। तो दिक्कत ये है कि अवेयरनेस नहीं है, हम रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, हमें पता है रिस्क है लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं डेवलपमेंटल के नाम पर, हम प्रॉपर रिस्क असेसमेंट नहीं करते हैं। जैसे कोई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अब इसका प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए कि क्या ये रिस्क पोज कर सकता है इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को, लेकिन हम क्या करते हैं, बस प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, कुछ मिनिमल प्रोसीजर होता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस का, उसको हमने क्लियर कर दिया, बस हो गया काम। तो ऐसे नहीं होगा ना, हमें रिस्क असेसमेंट को एज पर इम्पॉर्टेंस देना पड़ेगा, एज इक्वल टू द इनिशिएटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो आखिरकार रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाए? तो सबसे पहली बात तो वो एरिया जहाँ पर जो इवेंट्स है, डिजास्टर इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं, उनके डाटा को आप रिकॉर्ड करिए, अंडरस्टैंड करिए, कलेक्ट करिए, और उसके बाद आप एनालिसिस करिए कि कौन से एरिया में काफ़ी ज़्यादा घटनाएं हुई हैं, उस हिसाब से आप एक्शन प्लान करिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या, हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ डाटा है भी नहीं, और साथ ही साथ जो भी डाटे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, एंड दैट डजंट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन
एंड जो भी हमारी पॉलिसी है आपको भी पता है इंफॉर्मेशन एंड डाटा पर ही आधारित है, एंड इफ दिस इज लैकिंग तो हम प्रॉपर पॉलिसी एज वेल एज रिस्क असेसमेंट कर ही नहीं पाएंगे। एज वेल एज अगर आप इंडियन लैंडमार्क को देखिए तो देर आर कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लैंडमार्क, हिमालयन रीजन है तो वहां पर अलग से ही डिजास्टर की घटनाएं चलती है, ठीक है। और वहां पर क्या होते हैं कि जो भी हम ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क एस्टेब्लिश करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ रफ एंड टफ लैंडमार्क्स लाइक हिमालयस। तो ये सब मुद्दों को भी डील करना पड़ेगा तभी जाके हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। एज वेल एज अगर हम कुछ सॉल्यूशंस की बात करें तो लुबियाना रंगवाला साहब ने बोले हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट के अंतर्गत इंस्टीट्यूशंस काम कर रही है वो सही परफॉर्म नहीं करती, दे परफॉर्म्स एक्सीलेंटली फॉर डिजास्टर मिटिगेशन फॉर डिजास्टर प्रिपेयरनेस, बट इश्यू इज दैट दे आर डिसकनेक्टेड इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो जो आपके रीजन्स है विच आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर फ्लड प्रोन, तो हमें वहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार क्यों ये घटनाएं बढ़ रही हैं एंड हमें ट्रांसफॉर्मेशनल थिंकिंग लाने की ज़रूरत है। एज वेल एज जैसे कुछ एग्जांपल दिए जाते हैं क्लियर से कि कोई अर्बन एरियाज है, काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया है, कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड जा रहा है, हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तो क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। ये सब कुछ है तो बात अंतिम में ये कही जाती है कि एक तरफ हम अपने ट्रेवल टाइम को शॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि जो एनवायरनमेंट है वो आपका कंडीशंस बिगड़ रहे हैं। तो इन कंक्लूजन क्या है, इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, और ऑल्सो जब हम डिजास्टर प्रिपेयरनेस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक्सपर्ट्स की कमी होगी, अगर एक्सपर्ट्स निकाल लें तो प्राइवेट से भी हम एक्सपर्ट्स मंगवा सकते हैं और पब्लिक सेक्टर में भी एक्सपर्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी एक्सपर्ट, कमी का है पॉलिटिकल विल का, तो हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल को तवज्जो देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा और जो आपके लीडर्स हैं उनको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि लीडर्स का मतलब ही होता है लीड करना, जब तक वो लीड नहीं करेंगे तब तक समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके पीछे पूरी जनता होती है, पूरी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, पूरे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो जो एग्जांपल सेट करेगा पीछे वाले वही एग्जांपल को फॉलो करेंगे। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस आर्टिकल, होप यू अंडरस्टूड इन ग्रेट डिटेल, मैंने आपको ग्रेट डिटेल में इसलिए पढ़ाया है ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ जाएं एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कतें ना आए। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू सेकेंड एडिटोरियल डिस्कशन, आपको आंसर जरूर करने जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया, तो अगर हम बात करें सेकेंड आर्टिकल की, इट विल बी कवर्ड अंडर जीएस पेपर टू। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिंपल सा मतलब है कि एक देश एक लॉ। अब एक लॉ किस फील्ड में, सिविल मैटर्स में। सिविल मैटर्स क्या है, डाइवोर्स, ठीक है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, मैरिज, ये सब आपके सिविल मैटर्स है। तो अभी दिक्कत क्या है कि हमारे देश में विभिन्न रिलीजन है, कास्ट है, तो सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, तो कहीं ना कहीं लॉज को इम्प्लीमेंटेशन करने में दिक्कतें आती हैं, इंस्टीट्यूशंस को इम्प्लीमेंटेशन करने में दिक्कतें आती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि देयर शुड बी ए वन लॉ फॉर वन नेशन रिगार्डिंग द सिविल मैटर्स, जो आपके पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज प्रोविजन इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी आसानी करेगा। ये सब कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं लेकिन इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स से मैंने एक आर्टिकल में डिस्कस किया था डिटेल में, तो आप उस आर्टिकल को विजिट कर सकते हैं और बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। हालांकि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत की बात करें तो कैसे हुआ था, तो बेसिकली आपका संविधान है, हमारा संविधान है, ठीक है, उस संविधान में आर्टिकल 44 है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उस डीपीएसपी में ये साफ साफ कहा गया है कि स्टेट ये प्रयास करे कि आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया जाए। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, दैट्स वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चलता है, लेकिन लंबे समय से ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है क्योंकि बहुत सारे इसके चैलेंजेज हैं और ऐसे चैलेंजेज जो हमने अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं किए हैं, तो उन सब चैलेंजेज को ध्यान में रखते हुए एज वेल एज ये भी कभी कभी कहा जाता है कि पीपल्स आर नॉट रेडी फॉर दिस कोड। तो ये कुछ बेसिक बैकग्राउंड मैंने बताया, अब हम आर्टिकल पर डिस्कशन करेंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है कि अभी जैसे कल का ही न्यूज है तो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया था, मतलब बुलाया गया था नहीं, मतलब बुलाया जाएगा, ये नोटिस आई थी कि सितंबर 18 से 2022 तक ये सेशन चलेगा, और बुलाने का मेन एम कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का प्रयास किया जाएगा इस पीरियड में। अब देखा जाएगा कि क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन हम यहाँ पर
डिस्कशन का मुद्दा रखेंगे कि जो आप बिल लेकर आइएगा उसमें ध्यान रखना ये है कि जो चाइल्ड जिसको एडॉप्ट किए जाते हैं एडॉप्टिव पेरेंट्स के द्वारा, तो उनका इंटरेस्ट जरूर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मैरिज और डाइवोर्स को ही डील करता है, बल्कि जब ये प्रोविजंस आएंगी तो उसमें एडॉप्शन को भी तो डील किया जाएगा। और यहाँ पर हम ये सुनिश्चित जरूर करें कि जो आपके चाइल्ड के वेलफेयर है वो प्रायोरिटी में रहे, ठीक है, क्योंकि कस्टडी डिस्प्यूट का इशू आता है ना। कस्टडी डिस्प्यूट मतलब जैसे कि तलाक हो गया तो कस्टडी कौन रखेगा, क्या आपके फादर रखेंगे या मदर रखेंगे, तो बहुत सारे इशू आते हैं। साथ ही साथ लेट्स से कि आपका कोई पेरेंट जिन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया, बाद में बायोलॉजिकल पेरेंट्स आए और क्लेम करिए बच्चा हमारा है हमें दे दो आप, तो फिर क्या इशू निकल कर आएगी। इन सब को भी तो डिस्कस करना होगा ना इस यूसीसी में। तो यहीं पर कुछ प्रोविजंस की बात करते हैं, जैसे जो आपका गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है, ये आपका चाइल्ड कस्टडी की बात करते हैं और इसमें चाइल्ड केयर को अटमोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एडॉप्शन का रूल क्या है? तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एडॉप्शन के रूल्स डिफरेंट है, एज वेल एज हिंदू कम्युनिटी के लिए एडॉप्शन रूल्स डिफरेंट है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, इसमें क्या बात की जाती है कि जो फादर होंगे वो नेचुरल गार्जियन होंगे, ठीक है, यानी कि लेट से डाइवोर्स हो जाता है तो जो बच्चे की कस्टडी जाएगी सबसे पहले वो फादर के पास जाएगी। एंड लेट से कि फादर एब्सेंस है, लेट से कि फादर की डेथ हो जाती है, जैसे कि फादर जेल चला जाता है, तब क्या होगा, तब वो कस्टडी मदर के पास जाएगी और तब तक वो कस्टडी में रहेंगे बच्चे, कस्टडी मतलब माता की छत्र छाया में 5 साल तक के लिए, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि लेट से कि जो आपके पेरेंट्स है वो हिंदू रिलीजन के अलावे दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर जो कस्टडी है ना वो लूज हो जाएगी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ अगर हम मुस्लिम लॉ या फिर इस्लामिक लॉ की बात करें तो इसमें क्या है आपके कस्टडी के प्रोविजंस, तो इसमें क्या है, फादर को सबसे पहले कस्टोडियन नहीं दिया जाता है चाइल्ड का, सबसे पहले मदर को, फिर नानी को, फिर आपके पैटर्नल ग्रैंड मदर को, फिर आपके सिस्टर, मैटर्नल आंट, देन पैटर्नल आंट, उसके बाद जाके फादर को मिलता है। उसके बाद क्या है कि लेट्स से कि अगर महिला अपने रिलीजन को कन्वर्ट करती है, चेंज करती है, तब भी जो चाइल्ड की कस्टडी है वो ख़त्म नहीं होगी, वो महिलाएं के पास ही रहेगी। लेकिन अभी हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा कि ये जो आपका कोड है दैट इज हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, इसमें आपका कस्टडी लूज हो जाएगा अगर रिलीजन चेंज होता है तो। उसके बाद क्या है कि जो इस्लामिक लॉ है इसमें आपके मदर को कस्टडी का पीरियड क्या दिया जाता है, 7 ईयर्स तक का, एज वेल एज अगर डाउटर है तो फिर 17 ईयर्स, तो बॉय है तो 7 ईयर्स एंड डाउटर है तो 17 ईयर्स, एज वेल एज अदर स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ लाइक शफी एंड हनबिल स्कूल्स, ये डिफरेंट कस्टडी पीरियड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि आप देखिए हिंदू कम्युनिटी के लिए डिफरेंट कस्टडी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पीरियड्स डिफरेंट है, ठीक है, साथ ही साथ एडॉप्शन किसको जाएगा, मदर को जाएगा या फिर फादर को जाएगा, उसके लिए डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द इस्लामिक लॉज। तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड में इन सब पॉइंट्स को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपका दूसरा इश्यू क्या आता है, एडॉप्शन वाला इश्यू, कि लेट्स से कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स बाद में जो एडॉप्ट किए गए हैं बच्चे को बाय द एडॉप्टिव पेरेंट्स, क्लेम करने लगे कि ये बच्चा हमारा है, हम इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, अब ये बच्चे को हमें दे दीजिए, तब क्या इश्यू आती है, उसके लिए भी कुछ बातें यहाँ पर निकल कर आती है जो कुछ केस एग्जांपल दिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जो इंडियन कोर्ट्स है दे आर अट्रैक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द क्लेम्स ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स एज प्रेफरेंस टू द एडॉप्टिव पेरेंट्स, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड उसको टैकल नहीं किया जा रहा है। कुछ केस स्टडी हैं जैसे July 26, 2023, तो दो वुमेन जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट उन्होंने ऑर्डर किया कि जो कस्टडी ऑफ चाइल्ड है जो ऑलरेडी एडॉप्टेड पेरेंट्स के हाथ में थी उसको बायोलॉजिकल फादर को दे दिया जाए। अब इस इश्यू को थोड़ा सा हम समझेंगे, जो बायोलॉजिकल फादर है ना यहाँ पर वो बेसिकली उनके ऊपर रेप का चार्जेज है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा हुआ एक्चुअली में जिस महिला से तो कंसेंशुअल सेक्स नहीं था,
साथ ही साथ जो महिला थी वो माइनॉरिटी थी, 17 इयर्स की थी, तो इसलिए इनको रेप चार्जेज लगाया गया। तो जो महिला थी अब वो दूसरी शादी करने की प्रयास में थी, मतलब शादी करना था उन्हें, तो जो बच्चे हैं उसको सरेंडर कर दिया गया कहाँ पर, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के पास। तो फिर यहाँ से क्या है कि कुछ मतलब पेरेंट्स आते हैं और वो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, उन्होंने गोद ले लिया, ठीक है, लेकिन बाद में जो बायोलॉजिकल फादर है जब वो छूटता है, ठीक है, बेल पर, तो फिर वो क्लेम करने आ जाते हैं कि ये जो है मेरा बायोलॉजिकल चाइल्ड है तो इसकी कस्टडी हमें दिया जाए। तो फिर आप देख सकते हैं कि जो मैटर आगे जाता है, उसके बाद जो आपके बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट और यहाँ पर आपका जो अडॉप्शन है उसको कैंसिल करके बायोलॉजिकल फादर को ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर बाद में और भी बहुत सारे इसमें निटी ग्रिटीज हैं, बट उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अडॉप्शन का केस आता है। जैसे यहाँ पर एक और केस की बात की गई है, नशरीन बेगम, 2022 का ही केस है। इसमें आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जज बेंच ने जो एक गर्ल चाइल्ड है उसकी जो कस्टडी है उसको बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दे दिया एज कम्पेयर टू द एडॉप्टिव पेरेंट्स। तो इसमें इशू क्या था कि जो आपका एडॉप्टिव पेरेंट्स है ना, वो एक प्रकार से इनडायरेक्टली एग्रीमेंट करके, मतलब विदाउट लीगल प्रोसीजर, उन्होंने 3 महीने के ओल्ड चाइल्ड को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो लगभग 6 साल तक ये जो आपके एडॉप्टिव पेरेंट्स है उस बच्चे का पालन पोषण करते हैं, काफ़ी अच्छा रिलेशंस भी बन गया था, ठीक है। फिर बाद में जो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है वो फिर क्लेम करने आ जाते हैं कि ये बच्चा हमारा है तो इससे आप हमें दीजिए, तो केस कहाँ जाएगा, फैमिली कोर्ट में गया, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट ने बेसिकली सबके पक्ष सुने, बच्चों का भी पक्ष सुना कि उसका क्या इंटरेस्ट है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो बच्चा है वो अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली फिर जब मैटर आपका इलाहाबाद कोर्ट में गया तो यहाँ पर आपका डिसीजन उल्टा हो गया, है ना। तो क्या इंडिकेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो कोर्ट भी बायोलॉजिकल पेरेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है रेदर देन द एडॉप्टिव पेरेंट। तो ऐसे में आप बताइए, अडॉप्शन का कल्चर प्रमोट होगा या फिर डीमोटिवेट होगा? यस, डीमोटिवेट होगा। तो इस आर्टिकल में यही बात की जाती है कि कहीं ना कहीं हमें ये इंश्योर करना है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाएंगे उसमें ध्यान रखा जाए कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ही ज़्यादा अहमियत दिया जाए रिगार्डिंग द अडॉप्शन, ठीक है। ये मेन आपका क्रक्स है इस आर्टिकल का। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए, बिकॉज जो एडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं ना, यहाँ पर आपका ये है, जो एडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं उनको भी तो ट्रॉमा फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि लंबे समय तक लेट से कि उन्होंने अडॉप्ट किया, अब पता चला कि बाद में क्लेम आने लगी कि नहीं ये मेरा बायोलॉजिकल चाइल्ड है वो आप हमें दे दीजिए, तो जो भी लव सब इमोशंस अटैच हो जाते हैं वो फिर पेन काउच करते हैं, तो वो सब भी इंटरेस्ट ध्यान में रखना पड़ेगा ना। तो जो प्रोग्रेसिव यूनिफॉर्म सिविल कोड है शुड नॉट ओवर एम्फसाइज ऑन बायोलॉजिकल टाइज, अदरवाइज जो एडॉप्शन कल्चर है चिल्ड्रेन के लेकर वो डीमोटिवेट होगी। एज वेल एज जो भी आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाएंगे उसमें एक प्रोविजन जरूर होना चाहिए कि लेट से कि सिंगल पेरेंट भी चाहे कि हम बच्चे को अडॉप्ट करें, या फिर सरोगेट पेरेंट भी चाहे, या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी भी चाहे कि हम बच्चे को अडॉप्ट करें, तो वो प्रोविजंस होना चाहिए। तो दैट इज द क्रक्स ऑफ ऑल द आर्टिकल वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, होप यू अंडरस्टूड। तो अब आप क्वेश्चन लिख के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।